खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां भोपाल में सीबीएसई बोर्ड के 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी झूठी निकली। स्कूलों की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस कमिश्नर भोपाल मकरंद देउस्कर ने बयान जारी कर कहा, अब तक की जांच में कुछ भी नहीं निकला, जिसने भी यह किया उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले इन स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल जिस आईडी से आया वो रशियन गर्ल के नाम पर बना है। ईमेल में दो पावरफुल बम से स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। सीबीएसई स्कूलों में फिलहाल टर्म 2 के 10th के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो धमकी आई थी उसकी जानकारी प्राप्त कर ली गई है, वो प्रथम दृष्टया झूठी पाई गई है, लेकिन ईमेल कहां से आया था, क्यों था, कैसे था, इस पर नजर रखे हुए हैं, उसे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले बम की धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस ने सभी स्कूलों में जांच शुरू कर दी। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने भी सर्चिंग की। दोपहर 2:30 बजे तक पुलिस 10 से ज्यादा स्कूलों की जांच कर चुकी थी, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। स्कूलों को मिले ईमेल की भाषा एक समान थी। 8 अप्रैल को इसी तरह के मेल बेंगलुरु के स्कूलों को भी मिले थे। पुलिस कमिश्नर देउस्कर ने कहा, मामले की जांच की जा रही है। यह ईमेल कहां से और कैसे भेजे गए, इसकी जांच भी साइबर टीम कर रही है। भोपाल में सीबीएसई के 7 मिशनरी स्कूलों के अलावा सागर पब्लिक स्कूल, सेज इंटरनेशनल स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, डीपीएस स्कूल, आनंद विहार स्कूल और IES पब्लिक स्कूल को भी धमकी भरे ईमेल मिले हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने इस संबंध में किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि सागर पब्लिक स्कूल, DPS और सेंट जोसेफ स्कूल को धमकी मिली है। किसी भी सरकारी या MP बोर्ड के स्कूल को अभी तक इस तरह का कोई ईमेल नहीं मिला है। हम स्कूल प्रबंधन और पुलिस से संपर्क में हैं। IES स्कूल के MD ने बताया कि उनके स्कूल को भी धमकी मिली है। टर्म 2 की परीक्षा चल रही है, अभी परीक्षा पूरी हुई, शनिवार को भी परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। अभी तक स्कूलों ने परीक्षा टाले जाने का निर्णय नहीं लिया है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।